हे गाइस देखिए इस स्लीव डिज़ाइन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही आसान है इसको बनाना हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा इसका कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर शेयर करूँगी तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसकी स्लीव जो है वो कट कर लिया है आप इसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं तो देखिए ये रॉन्ग साइड है तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देते हैं यहाँ से मैं इसको सबसे पहले फ़ोल्ड कर देती हूँ ये स्लीव ये स्लीव जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कैसे कट करते हैं वो बता देती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ओके इसका फाइनल लुक वही उसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो देखिए ये मैंने फोल्ड कर दिया अभी तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है और इसकी जो लेंथ है वो थर्टी नाइन की है और इसकी जो व्यर्थ है वो सिक्स पॉइंट फाइवे आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो इसको भी हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे बारीक सा बिल्कुल बारीक सा फ़ोल्ड करना है ठीक है आप चाहो तो इसको को भी करवा सकते हैं ठीक है ठीके? पर मैं इसमें बारीक सा फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से दोनों तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से तो देखिए दोनों तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिया और इसको मैंने ये लेस जो है इसके ऊपर रखते हुए सिल दिया है बस इसमें इस तरह से रखते हुए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दिया है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर हम अपना निशान लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले मैं एक इंच 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ यानी कि डेढ़ इंच का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी डेढ़ इंच का निशान इसी तरह से हम 1.5 इंच पे इस तरह से पूरी पट्टी में निशान लगा देंगे ठीक है ये देखिए इस तरह से और यहाँ से देखिए मैं एक इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से ठीक है इसी तरह के निशान हम अपनी पूरी पट्टी में इस तरह से लगा देंगे और इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से ये लगाना ज़रूरी है गाइज अगर आप लोगों को अंदाज़ा है तो, मत तो आप मत लगाइएगा तो अब देखिए इस तरह से मैं पूरी पट्टी में इस तरह से लगा दूँगी इसी निशान को मैं पूरे में लगा देती हूँ इसकी देखिए लेंथ इसकी मैंने थर्टी नाइन की ली है पर मुझे इतना फैब्रिक नहीं लगा था मैंने इसको कट कर दिया था बाद में तो देखिए इस तरह से मैंने निशान को लगा दिया है अब देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे इस निशान को उठाएंगे और यहाँ रख देंगे और यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ ठीक है ये देखिए और इस निशान को उठाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से ठीक है और यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ यहाँ पर भी ये जो हमने नीचे निशान लगाए हैं ये दोनों मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ अब इसको देखिए यहाँ उठाएंगे और इसको इस तरह से लगा देंगे ये हम बॉक्स प्लेट बना रहे हैं ठीक है ठीके? इस तरह से हमें बॉक्स प्लेट बनाना है ये स्लीव में ये देखिए इसको हम इस तरह से बनाएंगे तो हम इसी तरह से पूरे जो हमारा फैब्रिक है इसी तरह से हम अपनी बॉक्स प्लेट इसमें बना लेंगे ये जो हमने निशान लगाए हैं ये इस तरह से मिलना चाहिए हमारा इस बात का आप लोग ध्यान रखें क्योंकि हम इसी के ऊपर अभी सिलाई लगाएंगे तो चलिए इसको सिलकर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ये देखिए अब इसको सिल देते हैं ठीक है इस निशान पे ये देखिए बिल्कुल मैं जो निशान लगाई हूँ मैं उसी के ऊपर इसमें सिलाई लगाऊंगी उसी के ऊपर ठीक है ये देखिए ये पिन हम यहाँ से निकाल देते हैं अभी तो मैंने बॉक्स प्लेट कैसे लगेगी वो आप लोगों को बता दिया है आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हुए पूरे में इस तरह से बॉक्स प्लेट लगा कर इसको सिल दीजिएगा ओके बहुत ही सिंपल है ये आ, पर लुक इसका बहुत ही अच्छा लगता है ओके गाइज तो ये हमने किस में बनाए हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा ठीक है तो देखिए इसी तरह से मैंने इसमें बॉक्स प्लेट बनाना है और पूरी पट्टी में जो है इस तरह से इसको फिल करना है ठीक है तो इस तरह से पूरे में मैं इसको लगा लेती हूँ तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बना दिया है अभी अब मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी इसके ऊपर उसके बाद ही हम आगे का इसमें करेंगे तो आप देखिए इसको ये जो हमने लगाए हैं निशान इसको अब हम अपनी स्लीव लेंगे ये देखिए ये फोल्ड है हमारा ठीक है हमें इसको राइट साइड पे रखना है इस तरह से ये देखिए इस तरह से रखना है हमें ये जो हमने एक इंच का निशान लगाए हैं इसको ऊपर चढ़ाते हुए ही रखना है हमें इस तरह से ठीक है ये देखिए अब इसको हम सिलाई लगाएंगे ये जो हमने सिलाई लगाए हैं ऊपर से निशान लगाकर उसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई इसमें लगा देंगे ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये जो सिलाई है यहाँ आनी चाहिए हमारी जो हमने स्लीव फोल्ड किए हैं वहाँ हमारी ये सिलाई आनी चाहिए इस तरह से देखते हुए हम इसको पूरे में जो है सिलाई लगा देंगे ठीक है तो इस तरह से मैं इसको पूरे में सिलाई लगा देती हूँ फिर इसमें हम कैसे डिज़ाइन करेंगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा देना है तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है अभी अब हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे उसके बाद ही हम इसमें करेंगे कुछ भी तो देखिए ये मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है अभी इसको अब देखिए गाइज यहाँ पर ये देखिए इसको हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है ठीक है ये देखिए ये देखिए अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप ही ये एक डिज़ाइन बन जाएगा ठीक है ये देखिए इस तरह से इसको अभी हम, हम सुई से इस तरह से एक टाका लगा देंगे और सुई की मदद से हम इसके अंदर ये देखिए ये मैंने मोती ले लिया है इस तरह से बारीक वाली और इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी ठीक है बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है बहुत ही क्यूट लगता है गाइस प्लेन फैब्रिक पे तो देखिए ये बन गया अभी हमारा अब हम इसको नीचे की ओर लेके जाएंगे अपने डिडल को और इसको नीचे से पक्का करते हुए इसको हम कट कर देंगे ये देखिए ये लग चुका अभी यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे और यहाँ से इसको कट कर देते हैं मैं एक और आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ आप लोग समझ में आ जाएगा तो देखिए अब यहाँ पर लगाएंगे ये देखिए इस तरह से इसको हमें इस तरह से आगे की तरफ लेना है आप चाहो तो इसको आयरन भी कर लीजिएगा उसके बाद आप इसको नीडल की हेल्प से इसमें लगा दीजिएगा पहले आप इसको आयरन करके भी इसमें कर सकते हैं पर मैं इसको डायरेक्टली लगा रही हूँ इस तरह से तो देख लीजिएगा ओके तो इस तरह से आप इसमें मोती लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं ठीक है तो इसको देखिए नीचे से मैंने इसको पक्का कर दिया है ओके तो दो मोती मैंने इस तरह से लगा दिए हैं अब ये जो बाकी का है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे सभी में ठीक है ये जितने भी हमारे बाकी के हैं रह गए हैं इसको हम इस तरह से लगा देंगे तो चलिए मैं इसको सब में लगा कर आप लोगों को दिखा देती हूँ तो देखिए इस तरह से मेरे ये लग चुके हैं ये एक स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम आपने जितना भी मार्जिन रखा है इसको सिलाई लगा देंगे ठीक है तो देखिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है इस तरह से मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ यहाँ से ये देखिए ये बहुत ही सिंपल सी हमारी स्लीव कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है ओके okay गाइस ये देखिए मैं इसको अपने पहना कर भी दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरह से ओके okay? तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही छोटी सी वीडियो थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको हम किस में लगाएंगे और इसकी कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा गाइज़ तो गाइज़ मेरी एक सब्सक्राइबर ने एक स्टिच किया हुआ जो ड्रेस है वो मुझे पिक भेजा है इंस्टाग्राम पर तो बहुत ही अच्छा स्टिच किया है उन्होंने मुझे खुशी है आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है आप वहाँ पर देख कर उसको लाइक कीजिए और उनका हौसला अफजाई कीजिए गाइस ओके तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए इसी तरह से मेरी वीडियो को जुड़े रहिए बाय अल्लाह हाफिज़